प्रथा बनाई है उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के सबसे बड़े महानगर और प्रदेश के औद्योगिक महानगर के रूप में जिसकी अपनी एक पहचान रही है, मां गंगा के तट पर स्थित कानपुर के मेट्रो ट्रायल के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, उच्च शिक्षा की राज्य मंत्री श्रीमती नीलमा कटियार जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री डीएस मिश्रा जी, प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश श्री दीपक कुमार जी, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन कुमार केशव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री भगवती प्रसाद सागर जी, सुरेंद्र मेथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, उपेंद्र नाथ पासवान जी, अभिजीत सिंह सागान जी, अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, सुनील बजाज जी, श्रीमती बीना आर्या जी, श्री कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक जी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, अपने निर्धारित समय से पहले आज कानपुर मेट्रो का एक ट्रायल रन प्रारंभ हो रहा है, यानी अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों के पास भी होगी। मैं इसके लिए आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं। कानपुर अब अपने आप में एक मेट्रो सिटी हो गई है, जो केवल आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के कार्य का यहां पर शुभारंभ हुआ था। तब यहां पर मेरे साथ में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास विभाग के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी उस कार्यक्रम में यहां पर भाग लिए थे। मार्च 2020 से पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया और पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रही है। कोरोना की इस वैश्विक चुनौती के बावजूद उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने जो उपलब्धि हासिल की है, यह देश की अत्याधुनिक
मेट्रो की सुविधा से युक्त एक नई मेट्रो कानपुर को मिल रही है, जो आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर का यह रन होगा, जो घनी आबादी के बीच से होते हुए गुजरेगा। और कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां से प्राप्त होगी, बल्कि यहां के पॉल्यूशन को भी कम करने में इससे भारी मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम में भारत सरकार ने जो योगदान दिया है, ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से संचालित है। और हमारा प्रयास होगा कि अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर मेट्रो ट्रायल की पूरी सुविधा, मेट्रो ट्रायल रन की इस पूरी कार्रवाई को संपन्न करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस ट्रायल रन के बाद हम मेट्रो की व्यवस्थित सुविधा कानपुर वासियों को दे सकें। और इस दिशा से आज कानपुर वासियों को जो सुविधा प्राप्त हो रही है, मैं इसके लिए कानपुर के नागरिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और उनके सभी, उनकी पूरी टीम को समय से पहले इस ट्रायल रन के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देता हूं, और भारत सरकार का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, मंत्रालय के सचिव श्री डीएस मिश्रा जी ने सदैव जो सहयोगात्मक और सकारात्मक रवैया प्रदेश सरकार के साथ अपनाया है, इसके कारण इस गति को और तीव्रता मिली है। मैं आज के इस ट्रायल रन के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की उपलब्धि के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से मेट्रो की इस सौगात का ऐलान कानपुर वासियों के लिए किया और आज उसका ट्रायल रन निरीक्षण करने के लिए वो खुद पहुंचे। उन्होंने ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत हुई है आज और जल्द ही ये सुविधा आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। 31 दिसंबर से आम लोग पहले फेज की इस मेट्रो का लाभ उठा सकेंगे। मंच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसका एक मोमेंटो भी गिफ्ट किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। किनके प्रयासों से ये काम रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ, उन सब का जिक्र करते हुए उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा 15 नवंबर 2019 को मेट्रो का काम शुरू हुआ था और पहले चरण में 9 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो दौड़ने जा रही है और रिकॉर्ड वक्त में इस काम को पूरा किया गया है। तो आईआईटी से होते हुए ये मोती झील जाएगी 9 किलोमीटर। इस दौरान कौन से स्टेशन पड़ेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। विश्वविद्यालय, एसपीएम, गुरुदेव, ये वो मेट्रो स्टेशन हैं जो उसके पड़ाव में होंगे। गीतानगर, रावतपुर, हालट और मोती झील पहुंचेगी ये 9 किलोमीटर का सफर तय करते हुए। और इसी के साथ